हेलो फ्रेंड्स, द फुल फॉर्म डिक्शनरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कंप्यूटर की विशेषताएं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो होती है वह होती है फास्ट स्पीड। कंप्यूटर जो होता है वह बहुत ही तेज़ी से कैलकुलेशन करता है। कंप्यूटर एक सेकेंड में लाखों कैलकुलेशन कर सकता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो स्पीड होती है उसे हर्ट्ज में मापा जाता है। वही दोस्तों होता है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर जो होता है वह एक ऑटोमेटिक डिवाइस होती है। जब एक बार यूज़र कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन या फिर उसमें कोई इनपुट करता है तो उसके बाद उसे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद कंप्यूटर सारा कार्य अपने आप ही करता है और इसके दौरान यूज़र की हस्तक्षेप की जो संभावना होती है वह काफ़ी कम होती है और वह ऑटोमेटिकली आपको आपका रिजल्ट दे देता है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ होती है एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता। कंप्यूटर बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिक कैलकुलेशन कर सकता है। यूज़र अगर कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देता है तो समय गलती ना करे, देते समय गलती ना करे तो कंप्यूटर सारी कैलकुलेशन को सही करता है। अगर कैलकुलेशन करते समय कोई एरर पाई जाती है तो वह यूज़र के कारण ही होती है, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर में एक्यूरेसी जो होता है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर होता है। इसके अलावा सेक्रेसी, यानी कि आप कंप्यूटर में एक विकल्प होता है जिसका उपयोग करके यूज़र अपने दिए गए इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में सिक्योर रख सकता है, यानी कि कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे नहीं देख सकता है। आप पासवर्ड का इसमें यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका डेटा सेफ रहे, आपका डेटा किसी भी तरह से कहीं पर भी इंक्लूड ना हो। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है कंप्यूटर की, वह होता है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में अनलिमिटेड नोटिफिकेशंस तथा डेटा को स्टोर किया जा सकता है। हम डेटा तथा नोटिफिकेशन को कई तरह से स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम। इन सारी चीज़ों में आप डेटा को अलग अलग तरीके से सेव कर सकते हैं और बहुत ही सिक्योर तरीके से आपका जो डेटा होता है इसमें सेव रहता है। और जितने लंबे समय तक आप चाहें अलग अलग डिवाइसेस का यूज़ करके कंप्यूटर में लार्ज कैपेसिटी, लार्ज अमाउंट का डेटा आप सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सी विशेषताएं जो कि कंप्यूटर की होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।